सितंबर का माह आने वाला है और इस समय पर जिन सब्जी वर्गी फसलों की खेती करेंगे किसान, उनको अच्छे प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि आपको सितंबर के माह में कौन सी सब्जी लगानी चाहिए जिनके रेट आने वाले समय में जब इनके प्रोडक्शन आए तब बहुत शानदार आपको प्रॉफिट मिले और अच्छा मुनाफा आपको देखने के लिए मिले। तो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं खेती का साथी। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों सितंबर में लगाए जाने वाली सब्जियों में सबसे पहले नंबर पर है पालक की खेती। सितंबर के स्टार्टिंग वीक में यदि आप पालक की बुआई कर देते हो तो आपको अच्छे प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकते हैं। सितंबर के माह में यदि आप पालक लगाते हो तो 30 से 40 दिन में पालक का प्रोडक्शन आ जाता है। तो ये जब इसके प्रोडक्शन निकलेंगे तब आपको अच्छे रेट देखने के लिए मिल सकते हैं। बात करें 1 एकड़ में कितने बीज की आपको मात्रा लगेगी, तो दोस्तों 1 एकड़ में करीबन आपको 10 से 15 किलो सीड की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियों की पालक आती है, आप अपने क्षेत्र के अनुसार पालक की वेरायटी का चयन कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी चल रही है, इन वेरायटियों को आप लगा सकते हैं। बात करें अगली कौन सी फसल है जो सितंबर के माह में आप लगा सकते हो, तो दोस्तों 15 सितंबर के आसपास आप मेथी की बुआई कर सकते हो। मेथी का प्रोडक्शन जो है दोस्तों 45 से 50 दिन में आ जाता है और ये जब निकलेगी दोस्तों तो आराम से आपको 60 से 70 रुपए किलो तक आपको रेट देखने के लिए मिल सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल सकता है। यदि आप सितंबर में 15 सितंबर के आसपास मेथी की बुआई कर रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, मेथी को बीज उपचारित करके ही आपको लगाना है। इसको आप बीटावैक्स से उपचारित कर ले, धानुका कंपनी का बीटावैक्स पाउडर आता है, 250 ग्राम ले। 250 ग्राम को 50 किलो मेथी में आप मिक्स कराकर आप बुआई करवा सकते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनियों की भी मेथी आने लगी है, आप उनका भी चयन कर सकते हैं। इसमें ज्यादा लागत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी तो आपको अच्छा खासा मुनाफा इससे हो सकता है। बात करें अगली कौन सी सब्जी वाली फसल की आपको खेती करना चाहिए सितंबर के माह में, तो दोस्तों इस समय पर आप प्याज की खेती कर सकते हो। आप प्याज यदि इस समय पर सितंबर के माह में लगाते हो तो आपको अच्छे प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि कि अभी भी इस समय पर प्याज के अच्छे रेट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये जब आपके प्रोडक्शन आएंगे तब भी अच्छे रेट मिल सकते हैं, इसलिए आप प्रॉपरली तरीके से मैनेजमेंट अच्छा करें प्याज की यदि आप खेती कर रहे हैं, और सही बीज का आपको चयन करना है। और यदि थ्रिप्स का अटैक है तो आप अच्छे से दवाओं का स्प्रे करवाएं तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे और अच्छा प्रोडक्शन आपका प्याज का मिलेगा। और एक बात का ध्यान रखना है प्याज में दोस्तों, खाद और उर्वरक का विशेष आपको प्याज में ध्यान रखना है। हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, वो भी जाकर देख सकते हैं क्या खाद और उर्वरक प्याज में आपको डालना चाहिए। दोस्तों अगली जो फसल है सितंबर में लगाई जाने वाली, तो आप सितंबर के माह में दोस्तों आप लहसुन की खेती आप सितंबर के माह में कर सकते हो। यदि आपकी खेत की तैयारी पूरी हो गई है, मौसम खुल गया है, तो आप लहसुन 15 सितंबर के बाद आप लहसुन लगा सकते हो। इससे आपके अच्छे प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेंगे यदि इस समय पर आप लहसुन लगाते हो। दूसरा दोस्तों आपको रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। सितंबर के माह में लहसुन लगा रहे हो तो आप कुटी लहसुन ही लगाएं तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे और दूसरा इसके रेट भी अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों इसमें एक बात का ध्यान रखना है, आपको सही खाद उर्वरक का चयन करना है। स्टार्टिंग में जब बेसल डोज डालो उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, वो जाकर आप देख सकते हैं। और इसमें दवाओं का स्प्रे टाइम टू टाइम आप करें तो ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इसमें थ्रिप्स का अटैक ज्यादा देखने के लिए मिलता है। जो जलेबी रोग आता है वो आपको लहसुन में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। करें दोस्तों अगली कौन सी फसल की आपको खेती करना चाहिए सितंबर के माह में, तो दोस्तों जैसे मैंने अभी लेसन में बताया आपको, यदि खेत की तैयारी हो गई है तो आप आलू की खेती इस समय पर कर सकते हो। यदि दोस्तों सितंबर के माह में आप आलू लगाते हो तो करीबन आपको 70 से 80 दिन में आलू का प्रोडक्शन आ जाता है। तो जब ये प्रोडक्शन देगा तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, अच्छे प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलेंगे, उस समय पर अच्छे रेट आपको मिल सकते हैं। तो आप इस समय पर आलू की खेती कर सकते हैं सितंबर के माह में। तो अगली कौन सी फसल है जो सितंबर के माह में आपको करना चाहिए, तो दोस्तों आप सितंबर के माह में लौकी की खेती कर सकते हो। आप लंबी वाली लौकी भी लगा सकते हो, दूसरा दोस्तों गोल वाली जो लौकी आती है उसको भी आप लगा सकते हो। बात करें दोस्तों किन वेरायटियों को आपको चयन करना चाहिए, तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर वेरायटियां चल रही है, इन वेरायटियों का आप चयन कर सकते हो। BNR की, कलर्स की और सिंजेंटा की भी वेरायटियां आती है, आप इन वेरायटी का चयन कर सकते हैं। लौकी में इस समय पर आपको खर्च कम देखने के लिए मिलेगा, परंतु इसमें फ्रूट फ्लाई का ज्यादा अटैक आपको देखने के लिए मिलेगा।
इसके लिए दोस्तों आपको सही से मैनेजमेंट यदि करोगे तो अच्छे प्रोडक्शन मिलेंगे और कम लागत लगती है लौकी में। यदि थोड़े बहुत कम रेट में मिल रहे हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। ज्यादा बड़े पैमाने पर आप लौकी की खेती ना करें, आपको आधा एकड़ एक एकड़ में ही लौकी की खेती करें। यदि आप ज्यादा बड़े पैमाने पर करोगे तो आपको मार्केट में प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। बात करें दोस्तों अगली कौन सी फसल है जो आप सितंबर के माह में लगा सकते हो, तो दोस्तों आप धनिया पत्ती की खेती, धनिया हरे धनिया की खेती आप सितंबर के माह में कर सकते हैं। यदि आप हरा धनिया इस समय पर लगाते हैं सितंबर के माह में तो अच्छे रेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बात करें किन वेरायटी को आपको चयन करना चाहिए, तो मार्केट में बहुत सारी वेरायटी आती है। एक तो नामधारी का सुरभि आता है और एक 30 दिन में इसी का भूमि के नाम पर आता है, और एक दोस्तों कलश की वेरायटी आती है, एक कलश 30 दिन वाला अर्ली के नाम पर आता है, और बाकी दूसरी वेरायटी जो आती है 2 महीने वाली, आप उसका भी चयन कर सकते हैं। और भी कंपनियों की वेरायटी आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगी, आप अपने क्षेत्र के अनुसार वेरायटियों का चयन कर सकते हैं। जो स्कीम पर चल रही है उन वेरायटियों का भी आप चयन कर सकते हैं। बात करें दोस्तों 1 एकड़ में कितने बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो करीबन दोस्तों 12 से 15 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में बीज की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि कुछ लोगों का 10 किलो में भी हो जाता है, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार जिस हिसाब से आप बुआई कर रहे हो उस पर विशेष डिपेंड करता है। इसमें दोस्तों स्टार्टिंग में आप एक स्प्रे अवश्य करवाएं। धनिया जैसे ही आपका 2 पत्ती का धनिया होता है उस समय पर आपको एलियट 25 ग्राम 15 लीटर वाली टंकी में घोल बनाकर एक स्प्रे आपको करवा देना है। इससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। मरने की जो शिकायत आती है, धनिया गलने की शिकायत आती है, ये शिकायत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो बात करें अगली कौन सी फसल है सितंबर के माह में जो आप लगा सकते हो, तो दोस्तों इस समय पर आप शिमला मिर्च की भी खेती कर सकते हो। दोस्तों इस समय पर आप शिमला मिर्च लगाते हो तो आपको प्रोडक्शन भी अच्छे मिलेंगे, थोड़ी आपको बीमारी इस समय पर यदि आप सितंबर के माह में लगाते हो शिमला मिर्च तो बीमारी कम देखने के लिए मिलेगी, रोग डिसीज कम आएगी। इसमें मैनेजमेंट आपको प्रॉपरली रखना है। बात करें किन वेरायटी का चयन करना चाहिए, तो दोस्तों एक क्लाउड सीड की आशा वेरायटी आती है, या फिर एक सिंजेंटा की इंदिरा वेरायटी आती है, एक सेमिनस की हंटिंगटन वेरायटी आती है। इन वेरायटियों में से कोई भी वेरायटी आप लगा सकते हो, बाकी अपने क्षेत्र के अनुसार वेरायटी का आपको चयन करना चाहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये अगली कौन सी फसल है हमारी जो सितंबर के माह में हम लगा सकते हैं, दोस्तों यदि आपके पास नर्सरी तैयार है तो इस समय पर आप टमाटर की खेती कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी टमाटर लगा है इसके जब लास्ट में प्रोडक्शन खत्म होने पे आएंगे तो आपके प्रोडक्शन निकलेंगे और उस समय पर रेट अच्छे होते हैं। दोस्तों आपको प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। बात करें किन वेरायटी को आपको चयन करना चाहिए, यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हो तो दोस्तों आप सिंजेंटा की साहो वेरायटी लगा सकते हो, इसी का एक बाहो वेरायटी आती है उसका चयन कर सकते हो, एक परी वेरायटी आती है नोनोम सीड की, आप इस वेरायटी का चयन कर सकते हो, एक आर्या वेरायटी आती है आप इसका चयन कर सकते हो, एक अभिलाष वेरायटी आती है इसका चयन कर सकते हो, अपने क्षेत्र के अनुसार भी आप वेरायटियों का चयन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है आपको, इस समय पर यदि आप सितंबर के माह में लगा रहे हो कोई भी सब्जी की खेती कर रहे हो तो प्रॉपरली खाद उर्वरक दें और मैनेजमेंट अच्छा रखें तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा, इसका विशेष ध्यान रखना है। यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर आप जरूर पूछ सकते हैं, और दोस्तों अभी आपके यहाँ कौन सी सब्जी की खेती हो रही है इसको कमेंट कर जरूर बताएं, और देखते रहें खेती का साथी। धन्यवाद दोस्तों, जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगले वीडियो में।